नमस्कार, आप देख रहे हैं SGTV बिहार न्यूज़। आज मैं पहुंच चुकी हूं काको प्रखंड के प्रमुख उमेश कुमार जी के पास। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनके क्षेत्र का क्या कार्य हुआ इस पिछले 5 सालों में। नमस्कार। पिछले 5 साल से जो आपका कार्य है वो कैसा रहा? 5 सालों में सबसे पहला प्राथमिकता तो बताते हैं कि हम 2.5 साल पंचायत समिति का सदस्य रहे, उसके उपरांत हमने 2.5 बरस के बाद अविश्वास में प्रमुख पद का हमने पदभार संभारे। जिस घड़ी से हमने प्रमुख पद का पदभार संभारे हैं उस घड़ी से ग्रामीण क्षेत्र का जिस तरह का काम होना चाहिए तत्परता से हमने निभाने का काम किए हैं। चाहे मुखिया का कार्य हो, पंचायत समिति का कार्य हो या वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्य किया गया है उस पर भी हमने नज़र रखते हुए कार्य को बाखूबी निभाने का काम किया। किस तरह का कार्य है अपने क्षेत्र के लोगों के उन्नति के लिए आपने किस तरह का कार्य किया, कुछ बताएंगे? हाँ, उन्नति के लिए सबसे पहला जब मैं प्रमुख बना उस घरे किसानों के हित में सोचते हुए मैंने लघु सिंचाई से एक योजना घींच करके लाकर कररुआ नाला का जीर्णोद्धार कराए, जिसमें 11 पुल का भी मांग किए थे उसमें 4 पुलिया का निर्माण किया गया है। उसके उपरांत के पाठक थे प्रधान सचिव, उनके द्वारा कुछ पुलिया का काट दिया गया था लेकिन इसकी मांग और 4 पुलिया के किए हैं। अपने फंड से भी 15वीं वित्त आयोग के फंड से भी 1 या 2 पुल का निर्माण के लिए उसको योजना में लिया गया है और एक सुलिस गेट का निर्माण भी कराया गया है जो 20 वर्षों से उस कार्य को नहीं कराया जा रहा था। हर समय उस पानी बह कर दूसरे क्षेत्र में बह जा रहा था, उसको हमने बेलदारी बीघा में सुलिस गेट लगवाने का जो कार्य किए हैं इससे बाखूबी किसानों का बहुत हित में हुआ है। इससे किसान जो है कि खुशहाल है। क्या लगता है इस बार किसान भाई आपके साथ में हैं? जिस तरह के हमने कार्य किए हैं क्षेत्र में इससे तो विश्वास है कि किसान भाई चाहे जो भी बंधु हों हमारे साथ हैं। यदि कुछ तरह के हमसे त्रुटि हुआ भी है तो उसके लिए जनता हमको माफ़ करेंगे, इस विश्वास है। अभी जैसे कि परामर्श समिति के तहत आप लोग का कार्य चल रहा है, परामर्श समिति और पहले के कार्य में क्या अंतर है? देखिए, प्रमुख का पद एक परामर्श समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। जो पहले मेरा कार्य था उसी तरह आज भी कार्य कर रहे हैं। जिस तरह अध्यक्ष का हमने पद को संभाले हैं पहले भी, आज भी उसी अध्यक्ष हैं, सिर्फ नाम को परिवर्तन किया गया है। इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ा है। आज भी योजना उसी तरह कराया जा रहा है परामर्शित समिति अध्यक्ष द्वारा जो पहले प्रमुख जी द्वारा कराया जा रहा है। आप अपने प्रखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रखंड वासियों से यही आग्रह करेंगे कि यदि हमें किसी भी तरह की त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करें। और जिस घड़ी से हमने प्रमुख के पद पर आए हैं वाकूबी जो है कि प्रखंड को सजने का काम किए हैं, दलालों के प्रखंड से खरीदने का काम किए हैं। इसके लिए तत्पर हो के चाहे राशन हो, शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, जो मेरे पास शिकायतें हैं उसका निवारण किए हैं और जनता को हित में काम किए। आपके प्रखंड के लोग आपसे कितने संतुष्ट हैं? ये तो ग्रामीण जनता ही बता सकते हैं कि प्रमुख जी से कितना खुश है, क्योंकि प्रतिनिधि जो होते हैं एक वैसे प्रतिनिधि जो हर आदमी, आज के हर आदमी, हर लोग, हर विश्वास के लोग जो हैं, जनता जो हैं, वो आपको नहीं बता सकते हैं कि हम इनसे कितना खुश हैं। वो कार्य कितना किए हैं वो अगला इलेक्शन में ही पता चलेगा कि आप कितना कार्य किए हैं। आपकी आगे की रणनीति क्या है? राजनीति मेरा यही है कि अभी प्रखंड प्रमुख का सीट अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा से आते हैं तो हमने जो कार्य किए हैं उसको याद करते हुए फिर पंचायत समिति सदस्य का ही पद पर आने के काम कर रहे हैं। अब फिर हम चाह रहे हैं कि एक बार प्रमुख बने कि अगर छूटे हुए कार्य को पूरा कर सके। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पहला हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ प्रखंडवासी, जिलावासी एवं बिहारवासी एवं सेंट्रल वासी को भी। मेरे तरफ से शुभकामना एवं बधाई,
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। जैसा कि आपने देखा कि काको प्रखंड के प्रमुख उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार फिर उन्हें वोट दे और आगे बढ़ाए। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।